केसरी का प्रमोशन करने चंडीगढ़ एलांते मॉल पहुंचे अक्षय कुमार व परिणीति चोपड़ा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म केसरी के प्रमोशन में काफी बिजी है। इसी सिलसिले में अक्षय फिल्म की कास्ट के साथ चंडीगढ़ पहुंचे। तस्वीर में अक्षय कूल लुक में दिख रहे हैं, वहीं परिणीति ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर टॉप और जीन्स में स्टाइलिश अंदाज में दिख रहे हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ में पूरी केसरी की टीम का बेहद ही वार्म वेलकम किया गया, जिसकी वीडियो अक्षय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की है। फिल्म की कहानी सारागढ़ी की जंग पर आधारित है। ये लड़ाई 122 साल पहले 21 सिखों ने 10,000 अफगानी हमलावरों से लड़ी थी। मैं आज तुम्हें बहुत बढ़िया खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जितने सारागढ़ी है, जितने बैटल हुआ है, सब तो पहले मैं यही गल दसना चाहता हूँ। ही मैं पता चले कि उत्थे कल ही बेसिकली सारागढ़ी है पाकिस्तान। पहला साढ़े हिंदुस्तान में होया करता सी, हूँ पाकिस्तान के है, तो उत्थे परमिशन मिल गई है। हूँ उत्थे एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया है। बहुत मतलब मेरा अज हूने ही मैं अद्धा घंटे पहले ही पता चलिया इस बारे च, तो सारागढ़ी मेमोरियल उत्थे बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना रहे हैं। तो यह तो मतलब मैनू इन्नी खुशी हुई है, मैं दस नहीं सकता तुम सारे। खैर मैं लोगों को, मैं सारे यही कहना चाहना, इतने सारे मीडिया बैठे हुए ने और लिखने वाले ने, मैं चाहना कि यह फिल्म ना ही सिर्फ मैं जाना माँ प्यो अपने बच्चों लैके यह फिल्म दिखाए। क्यों? क्योंकि यह साड़ी हिस्ट्री की फिल्म है, ये साड़ा इतिहास छुपा है। और यह कमाल की गल है कि इन्ना वड्डा, मतलब गूगल में अगर तुम टाइप कर लो कि जी 5 biggest battles, उसके में सारागढ़ी का नंबर 2 चल रहा है। इस तो वड्डी गल की हो सकती है कि 21 सिख 10,000 इनवेडर्स के नाल लड़ पे। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा कि की होने वाला, उन्होंने सारे नु पता सी कि अंत होने वाला है, लेकिन लड़ पे, अपने ऑनर वास्ते लड़े, अपने कंट्री वास्ते लड़े, तो अपने गुरुओं वास्ते लड़े। इस लड़ाई का नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था। आज भी यह लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज है और सिख हवलदारों के हौसलों की दाद देती है। फिल्म में अक्षय के अलावा परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।